हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। ये वैकेंसी आई है पाइपलाइन डिवीज़न में। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 22/12/2020 से स्टार्ट हो गई है। इसका जो लास्ट डेट है वो 15/1/2021 है। तो आइए हम बात करते हैं इसके डिटेल में, कौन कौन से इसमें ब्रांच एलिजिबल हैं और किसके लिए ये गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पे सामने आई हुई हैं। ये अलग अलग स्टेट में आई हुई हैं। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में, पहले यहाँ पे देखिए तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की आई हुई है, इंजीनियरिंग ऑपरेशन की, टेक्निकल अटेंडेंट की आई हुई है, और यू उत्तर प्रदेश में, फिर आसाम में, ये देख सकते हैं इसमें वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 47 पोस्ट हैं। टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो हैं 47 पोस्ट, ठीक है। इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं स्टेट में आई हुई हैं। और हम उसमें बात कर लेते हैं इसमें इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल, तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये सब डिफरेंट ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं 3 ईयर डिप्लोमा वाले। आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए, तो इसमें केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस में एलिजिबल हैं। बात करते हैं अगला जो पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट का, इसमें आपके पास ITI होना चाहिए आफ्टर 10th। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ब्रांच है ITI के, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मशीन, इसमें अलग अलग ब्रांचेस में एलिजिबल हैं। मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है, टोटल नंबर ऑफ जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा आपके डिसिप्लिन से और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। टोटल जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। और ये जो टेस्ट हेल्ड होने वाला है वो 24/2/2021 तक आपको संडे के दिन इसमें अटेंटिवली है कि हेल्ड हो जाएगा। और इसमें अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपया है। धन्यवाद।